गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में अवध राज्य। इससे पहले हम पंजाब पर या सिखों पर एक अलग वीडियो बना चुके हैं और मैसूर और आंगला मैसूर युद्धों पर भी वीडियो हमारी बन चुकी, इससे आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अवध राज्य। अवध राज्य के संस्थापक कौन थे या इसकी लोकेशन स्थिति कहाँ पर है, ये किन नदियों के बीच में आता है, इसमें कौन कौन शासक हुए हैं, उनका कार्यकाल क्या था और इनमें संधियां कौन कौन सी हुई थी अंग्रेजों के साथ में, इन सब चीजों को आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अवध राज्य। अवध राज्य की सबसे पहले स्थिति, इसकी लोकेशन या स्थिति क्या थी, कहां पर यह था अवध, यानी कि वर्तमान में जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय में जो आधुनिक अब उत्तर प्रदेश है वो सभी स्थिति या जिले नहीं आते थे। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, पहले इसके संस्थापक के बारे में, इसकी स्थिति और राजधानी क्या थी, इसके नवाब और शासक कौन हुए हैं या फिर विशेषताएं, संधियां, और इसके अंतिम जो नवाब बने थे वाजिद अली शाह, उनके साथ में अंग्रेजों की क्या संधियां, क्या रिपोर्ट उन्होंने लगाई थी, तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। उत्तर प्रदेश की जो लोकेशन है, देखना उत्तराखंड अगर अलग निकाल दिया जाए यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश, ये यूपी की अगर हम बात करते हैं कि क्या होगा यूपी, यहाँ पर क्या थी इसके लेफ्ट में यानी कि पूरब में कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में एक सहायक नदी निकलती है, लेकिन वहां पर गंगा नदी को ही कर्मनाशा नदी कहते हैं। ये जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ा जाएगा उसमें एक है जो पढ़ेंगे हम, हुमायूं ने कर्मनाशा नदी में कूद कर अपनी जान बचाई थी, ये वही कर्मनाशा नदी। और पश्चिम में अगर बाउंड्री यहाँ पर देखते हैं तो कन्नौज, वर्तमान में कन्नौज भी एक जिला उत्तर प्रदेश का, तो ये स्थिति क्या आ जाएगी इसकी, सब यहाँ पर अवध की अगर बात करते हैं तो ये क्या था अवध। अवध की जो स्थापना हुई थी ये सन 1721 या 22 में, क्योंकि 21 से 22 तक जो ये था सादत अली खां या सादत बुरहानुल मुल्क, ये यहाँ का गवर्नर बना था आगरा का और इसे एक बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी थी उस समय पर। तो संस्थापक इसके कौन रहे हैं, संस्थापक सादत खां, उपाधि कौन सी थी इसकी, बुरहानुल मुल्क, सादत खां बुरहानुल मुल्क, दोनों आया ना समझ, तो ये नोट करते रहिए आप साथ साथ, बुरहानुल मुल्क की उपाधि थी और कब दी गई थी, जब ये आगरा का गवर्नर नियुक्त किया गया था, आगरा का गवर्नर या सूबेदार, तब इसे किसने दी थी, मोहम्मद सारंगीला। मुगलों के पतन में हमने चैप्टर एक पढ़ा था उसमें मोहम्मद सारंगीला, जिसका नाम रोशन अख्तर भी था, उस दौरान काफी कई राज्यों की स्थापना की गई थी जिनमें एक अवध भी था। स्थिति या राजधानी क्या थी, तो स्थिति आपको जैसे बताई कि इसके पूर्व में क्या होता था कर्मनाशा नदी और पश्चिम में आता था कन्नौज का जिला, जो कन्नौज मध्यकालीन इतिहास में क्वेश्चन आया है कि कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है, इत्र बनाने के, वहां पर कारखाना लगवाया था असमत बेगम ने, अगर असमत बेगम ऑप्शन में नहीं होगा तो नूरजहां ने, है ना, जो उसकी पुत्री थी नूरजहां, जिसका नाम मेहरुन्निसा भी था। तो स्थिति क्या आ जाएगी, उत्तर प्रदेश और यहाँ पर कर्मनाशा नदी और इसके बीच में था कन्नौज के बीच में। राजधानी इसकी क्या थी, प्रारंभ में इसकी राजधानी फैजाबाद, जो अब नाम है ना अयोध्या जिला है जैसे, और फैजाबाद से जो दूसरी राजधानी बनाई थी ये बनाई इसमें लखनऊ इसकी राजधानी बनाई थी, जो आसफ़ुद्दौला ने बनाई थी। तो इसके शासकों के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं कि इसके शासक कितने हुए हैं, कहीं पर बुक में 10 या 11 भी लिखा हुआ है, तो उनकी फिर भी हम विशेषताएं करेंगे और इनमें संधि की गई थी अंग्रेजों के साथ में, क्या क्या इसकी शर्तें थी। सुन नोट क्या है ना, ये सुनिए आपने, बुरहानुल मुल्क आगरा के सूबेदार नियुक्त किया गया था सन 1721 और 22 के बीच में, तभी बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब आइए जो इसके नवाब थे, यहाँ के नवाब या शासकों के बारे में बात, तो शासक कितने हुए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 11, तो पहले हुए हैं सादत खां, जिसका नाम क्या था, बुरहानुल मुल्क की इनके पास उपाधि थी। दूसरा
सादत खान, फिर सफदरजंग नंबर दो, नंबर तीन सुजाउद्दौला जिसके जिसने वो की थी एक बनारस की संधि, सुजाउद्दौला के बाद में आसफ उद दौला ने जिसने राजधानी परिवर्तित की थी कहाँ, लखनऊ, यानी कि फैजाबाद से लखनऊ राजधानी। और नंबर सिक्स आ जाएंगे इसमें नवाब अली खां, या इसी का नाम वजीर भी है ना, कहीं बुक में क्या लिखा है, वजीर अली खां। आगे आ जाएंगे फिर एक सादत खां द्वितीय, क्या है ये सादत अली खां सेकेंड, तो इसका मतलब ये क्या थे, फर्स्ट थे, तो इसके नाम में अली नहीं लिखा, सादत खां बुरहानुल मुल्क, और ये क्या थे, सादत अली खां सेकेंड। इसके बाद में सादत के बाद में एक आएंगे हैदर अली खां, यानी कि गाजीउद्दीन, उपाधि क्या थी, गाजीउद्दीन हैदर अली खां। वो जो हमने उसमें पढ़ी थी एक मैसूर में, हैदर अली वो अलग थे, टीपू सुल्तान हैदर अली, ये अलग है, ये अलग। इसके बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद अली। ये उपाधि किसकी थी, नासिरुद्दीन की। बाद में एक आएंगे इसमें अमजद अली खां। और लास्ट के हो जाएंगे नवाब वाजिद अली शाह। ये अंतिम हुए हैं, इनका भी एक अल्पवयस्क पुत्र हुआ है बिरजिस कादिर, जिसको लेकर 1857 का विद्रोह हुआ था, एक बेगम अजत महल लखनऊ में जो युद्ध में आंदोलन में भाग लिया था, तो बिरजिस कादिर। ठीक है जी, तो कितने हो जाएंगे, 10, इसको भी अगर काउंट करते हैं तो 11। कहीं पर एक मोहम्मद अली भी बीच में लिखा हुआ है सेकंड करके, हालांकि कुछ खास उनकी विशेषता नहीं है, जिसकी जो इंपोर्टेंस ज्यादा है, कार्य ज्यादा किए हैं, उनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इनका अगर शासनकाल भी आप लिखना चाहते हो, बुरहानुल मुल्क का शासनकाल क्या था, सन 1721 या 22 से जो स्थापना हुई थी, और 1739 तक। सेकंड नंबर जो सफदरजंग का हुआ है, सन 1739 से 54 तक, 1754। सुजाउद्दौला का सन 1754 से सन 1775 तक, 75, एक संधि हुई थी 73 में। आसफ़ुद्दौला का सन 1775 से 97 तक आ जाएगा, 97। वजीर अली का आ जाएगा सन 1797 से 98 तक, 98। ये अलग बुक्स में डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक एक दो दो वर्ष उसमें डिफरेंस कुछ दिया हुआ है। सादत अली का आ जाएगा सन 1798 से सन 1814 तक, कहीं बुक में ये 19 तक लिखा हुआ है। गाजीउल का आ जाएगा सन 1814 से 27 तक, 27 तक। नासिरुद्दीन का आएगा सन 1827 से 42 तक, 42। और अमजद अली का आ जाएगा सन 1842 से, और ये आ जाएगा 45 तक। वाजिद अली शाह का आ जाएगा सन 1845 से 46 से, 46, 46 से ये आ जाएगा सन 1856 तक, क्योंकि 1857 में एक विद्रोही हुआ था, फिर 57 में ना जो था ना ग्रेट रिवॉल्यूशन, 1857 की महान क्रांति, इसको अपदस्थ कर दिया गया था, और जो यहाँ का नवाब था ये अल्पवयस्क था, इसे नवाब घोषित किया था, इसकी माता ने, माता का नाम जो बेगम हजरत महल इसे बनाना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पर कानून कुछ बने हुए थे, लेक्स लोकी कानून, की कोई भी अल्पवयस्क नवाब नहीं घोषित किया जा सकता, तो ये नवाब बने थे। ये क्या थे, नवाब, और उनका ये शासनकाल या कार्यकाल। अगर चाहें तो आप नोट करते रहिए, कार्यकाल लिख लिया इसका,
एक दो वर्ष का यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है, कहीं मैंने बुक में पढ़ा है 1819 सन 1819 और कहीं पर 14, लेकिन टेली करके देखते हैं 14। हालांकि बीच में इनकी कोई खास विशेषता ऐसी नहीं। आगे बढ़ा जाए तो क्षेत्र क्या आ जाएगा इसका, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, जैसे यूपी, यूपी जो आएगा वर्तमान में, इधर नदी कौन सी आ जाएगी, कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी, ये तो पूर्व में हो जाएगा और यहाँ पश्चिम में लास्ट कन्नौज, कन्नौज तक, कर्मनाशा से कन्नौज तक ये क्षेत्र किसका था। इसमें बाद में एक संधि हुई थी, इसमें इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र को छोड़कर आगे, तो आगे देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले कौन सा नवाब, नवाब सादत खान, सादत खान, इसकी उपाधि क्या थी, बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क की उपाधि थी इसमें, ये उपाधि प्राप्त की। तो विशेषताएं क्या क्या आ जाएंगी ये देखें। सबसे पहले एक तो उत्तर प्रदेश के या अवध के ये रहे संस्थापक, सबसे पहले तो क्या संस्थापक, ये संस्थापक स्थापना कब की थी, सन 1721 या फिर 1722 में, 2122, क्योंकि आगरा का इसको सूबेदार नियुक्त किया था और किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह रंगीला ना, तब यहाँ पर मुगल बादशाह कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला का नाम क्या था, रोशन अख्तर, तो इसके शासनकाल में हुई थी। अच्छा, एक यहाँ पर नादिर शाह का अटैक हुआ था, नादिर शाह, नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण देखना क्या था, नादिर शाह का आक्रमण यह था, ये करनाल का युद्ध लड़ा गया था जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। नादिर शाह ने भारत पर जब अटैक किया तो हरियाणा के करनाल में युद्ध लड़ा गया, करनाल का युद्ध 1739, लेकिन वो दिल्ली पर भी अटैक करने वाला था, उसके लिए जो इनवाइट किया था सादत खां बुरहान मुल्क ने किया था। जब इसके आक्रमण को, अटैक को रोका गया तो दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला ने अवध के नवाब को वहां पर बुलाया था दिल्ली में, लेकिन उसकी सेना के द्वारा बंदी बना लिया गया। उसके बाद में वो चाहते थे कि दिल्ली में जो यही है नादिर शाह, नादिर शाह अगर अटैक करता है तो वहां से लगभग 20 करोड़ की धनराशि प्राप्त कर सकता है, मिल जाएगी। अगर वो नहीं देगा तो ये राजा ने यानी कि नवाब ने अपनी तरफ से देने का वादा किया। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया, वहां पर सारी संपत्ति लूट ली गई, दिल्ली का लाल किला लूट लिया गया, जिसमें दीवान आम, दीवान खास, या तख्त हाउस, या मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन जो शाहजहां ने बनवाया था, उन सबको लूट कर वो ले गया था, हीरे जवाहरात सोना चांदी कुछ नहीं छोड़ा था। बाद में जब 20 करोड़ रुपए देने की बात आई तो इसने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो अगर यह है कि करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था, और युद्ध का क्या नाम था, करनाल का युद्ध, करनाल युद्ध, तो करनाल युद्ध में सन 1739 में लड़ा गया है, 1739, तो इसने क्या किया था, दिल्ली में ये बंदी बना लिया गया, दिल्ली में क्या, इसको बंदी बनाया, युद्ध बंदी हुआ, लेकिन इसने दिल्ली पर ही अटैक करने के लिए 20 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, 20 करोड़ रुपए रुपए नहीं जब दिए, ना देने पर, ना देने पर विष खाकर आत्महत्या, इसने क्या किया था, विष खाकर आत्महत्या कर ली थी, विष खाकर आत्महत्या की, ठीक है सोनू जी। इसने विष को, दो ही क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित किस नवाब ने विष खाकर आत्महत्या की थी, वो सादत खां बुरहान उल मुल्क। सादत खां ने इससे पहले जो अपना उत्तराधिकारी बनाया था, अपने भतीजे और अपने दामाद को, चूंकि इसका कोई पुत्र नहीं था, तो किसको बनाया, सफदरजंग को बनाया, सफदरजंग जो इसका उत्तराधिकारी बना, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी किसको बनाया गया, सफदरजंग को बनाया गया था। सफदरजंग ये कब था, जो बाद में वो बना था एक, यानी कि अहमद शाह, अहमद शाह का ये वजीर भी रहा है। इसकी क्या क्या विशेषता, एक तो संस्थापक, एक बुरहान मुल्क की उपाधि, और इसने नादिर शाह के आक्रमण को रोका था, दिल्ली में उसका विरोध किया, सॉरी 20 करोड़ रुपए ना देने की स्थिति में इसने विष खाकर आत्महत्या की थी। सफदरजंग इसका उत्तराधिकारी बना। आगे बढ़ते हैं, उठ लिया है, नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा कौन बनाया गया फिर, सफदरजंग, सफदरजंग, सफदरजंग का शासनकाल सन 1739 से 54 तक, 39 से 54 तक क्या क्या यहाँ पर हुआ,
एक इसकी विशेषता ये थी कि ये मोहम्मद शाह रंगीला के उत्तराधिकारी, जो मुगल शासक था अहमद शाह, मुगल शासक अहमद शाह का ये नवाब बना था, उसमें वजीर बनाया गया, मुगल शासक अहमद शाह का वजीर घोषित किया, इसे वजीर बनाया गया वहां ना। बाद में अन्य कोई भी विशेषता ऐसी रही, एक ये धर्म सहिष्णु था, इसने जो विभिन्न पदों पर हिंदू पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया था राय करके थे, तो एक धर्म सहिष्णु भी था, धर्म सहिष्णु व्यक्ति, यानी कि इसने जाति को लेकर बिरादरी को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया। अपने दरबार में इसमें हिंदू पदाधिकारी रखे थे, दरबार में हिंदू पदाधिकारी नियुक्त किए गए। ये इसकी धर्म सहिष्णु होना सबसे बड़ी विशेषता थी, कि सेकुलर होना, कोई भेदभाव कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। आगे देखते हैं तीसरे कौन आ जाएंगे फिर, शाह सुजाउद्दौला का शासनकाल जो रहेगा सन 1754 से और ये 75 शाह सुजा की, इसकी कई विशेषताएं हैं। अच्छा, हमने इसकी एक वो राजधानी छोड़ दी, राजधानी प्रारंभ में क्या थी इसकी, फैजाबाद है ना, वो फैजाबाद एक बनास की संधि हुई थी। बाद में जो राजधानी परिवर्तित करता है वो आसफ़उद्दौला, यानी कि अब तक जो राजधानी क्या थी फैजाबाद इसकी राजधानी थी। इसने क्या किया, एक तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, पानीपत का कब लड़ा गया, सन 1761, किसके बीच में, वो मुगलों के सॉरी मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली कौन था, ये नादिर शाह का उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली, ये दोनों अलग अलग थे। तो अब्दाली के बारे में नादिर शाह ने कहा है कि ऐसे चरित्रवान व्यक्ति पूरे तुरान में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे ईरान में नहीं मिलेगा, ईरान तुरान और हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। नादिर शाह ने ही उसी के बारे में कहा है अहमद शाह अब्दाली के, इसे दुर्रे दुरानी यानी कि युग का मोती अर्थात पर्ल ऑफ द एज इसकी संज्ञा दी गई। तो ये क्या किया था पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली का साथ दिया था, इसलिए अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। ये युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया, अहमद शाह अब्दाली के, यानी कि अब्दाली वर्सेस मराठे। मराठों की तरफ से किसने भाग लिया था, जो तीसरे नंबर के पेशवा थे ना, बालाजी बाजीराव, पहले कौन हुए, बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव। तो ये बालाजी बाजीराव जो वो थे पेशवा, ठीक है, पेशवा बालाजी बाजीराव के एक चचेरे भाई थे, उनका नाम था सदाशिव राव भाऊ। इन्होंने भाग लिया था, तो मराठों की इसमें पराजय हुई थी। और अहमद शाह अब्दाली की ओर से किसने भाग लिया, सुजाउद्दौला। अब्दाली के बारे में ये कहा गया इसको युग का मोती, इसे बोलते हैं दुर्रे दुरानी। इसको संज्ञा दी गई, इसे दी गई थी अहमद शाह अब्दाली को, किसने दी थी, और नादिर शाह ने, चूंकि नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया, इसमें विजय किसकी हुई, अहमद शाह अब्दाली की। उसका जीत का एकमात्र कारण था ऊंटों पर लादे जाने वाले तोपखाने जो रोटेट होते थे चारों दिशाओं में। अच्छा, तो ये अब्दाली की तरफ से इसने भाग लिया था सुजाउद्दौला। अच्छा, एक विशेषता क्या, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, सन 1764 में। बक्सर वर्तमान में कहाँ है, बिहार में, बिहार है ना।
तो बक्सर का युद्ध ये किस किस के बीच हुआ? एक तो बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच, बंगाल के नवाब नवाब और वर्सेस अंग्रेज, अंग्रेजों के बीच में हुआ। अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो, इसमें कौन था? मुनरो अंग्रेज था। और बंगाल के जो नवाब थे, एक तो एपदस्त नवाब कासिम, मीर कासिम, एक तो इसमें मीर कासिम था, मीर कासिम, मीर कासिम, और एक मुगल शासक शाह आलम सेकंड, शाह आलम, शाह आलम सेकंड, और एक अवध का नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। इन तीनों ने भाग लिया था। हालांकि एक श्वेत विद्रोह भी हुआ है, कुछ अंग्रेज सैनिक भी इसकी तरफ आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। इसमें विजय किसकी हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई। वो न्यासी जो मीर कासिम था, वो फिर फरार हो गया था कलकत्ता, कलकत्ता में उसको गिरफ्तार किया गया था। तो बक्सर के युद्ध में ये मीर कासिम की तरफ से सुजाउद्दौला ने भाग लिया था, एक ये विशेषता इसकी, लेकिन तब भी इसकी सेना पराजित हुई थी। बाद में एक संधि की गई थी, उस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हालांकि दो बार हुई है, ये नोट कर लिया आपने? आगे देखते हैं सीधा, अगर चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप। इसी में बाद में क्या हुई? एक इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच में हुई थी? इसमें तीन ने हस्ताक्षर किए थे और ये सन 1765 में हुई थे, 65 में। तब ये 12 अगस्त को दो बार हुई, 12 अगस्त और एक हुई थी 16 अगस्त को, 12 अगस्त और 16 अगस्त। इसमें शर्तें क्या थी? एक तो पहले देख लेते किस किस ने इसमें सिग्नेचर किए थे। तीन लोग थे इसमें, एक तो क्लाइव, अंग्रेज अधिकारी क्लाइव, क्लाइव, और एक मुगल शासक शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम सेकेंड, शाह आलम। तीसरे थे इसमें सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। तीनों ने हस्ताक्षर किए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी, ये अब अंग्रेजों के पास चली गई थी, और इसी में 26 लाख रुपए का पेंशन याफ्ता बनाया गया। ये शाह आलम सेकंड को क्या बनाया? इसको 26 लाख रुपए वार्षिक दिए जाएंगे, 26 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, कलाई को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली थी, इसे क्या? बंगाल, बिहार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसकी दीवानी यानी कि राजस्व का अधिकार, जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा, ये अंग्रेजों के पास गया। सुजाउद्दौला को अवध दिया तो गया अवध, लेकिन इसमें इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र नहीं था, इलाहाबाद, इलाहाबाद और कड़ा, कड़ा जो कुंडा पड़ता है, ये किसे दिया गया? ये नवाब को दिया गया। इलाहाबाद और कड़ा के अलावा शेष अवध, अवध के नवाब को सौंप दिया गया। 26 लाख रुपए का पेंशन याफ्ता बनाया गया। और यहाँ पर कलाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यानी कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने का अधिकार या उनका राजस्व रिवेन्यू कलेक्शन, ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। लेकिन इसके बाद में एक और संधि हुई, बनारस की संधि। बनारस की संधि में क्या हुआ वो भी आप देखिए, ये स्क्रीन शॉट लेते रहिए, फिर ऊपर करना पड़ेगा स्क्रीन, ठीक ना? जो ये संधि हुई संधि के बाद, ये कौन सी? बनारस की संधि, बनारस की संधि, बनारस की संधि कब हुई? सन 1765 था और लगभग हुई 1773 में, चूंकि इसका शासनकाल 75। इस संधि में क्या था? इसकी शर्तें, एक तो 50 लाख रुपए में जो इलाहाबाद और कड़ा, ये किसके पास गया था? ये शाह आलम सेकंड के, और शाह आलम सेकंड को पेंशन याफ्ता बना दिया गया। अल्टीमेटली इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन था, यानी कि वो इलाहाबाद, ये अधिक आमदनी के जिले थे, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र वो नहीं देंगे, पूरा अवध के नवाब के पास चला गया इनके अलावा। और ये इसका मालिक कौन बना? मुगल शासक शाह आलम सेकंड, और शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपए दिए जाएंगे, पेंशन याफ्ता बनाया गया। अब इन्होंने बनारस की संधि में क्या किया? इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र अवध के नवाब को दे दिया गया, लेकिन वो 50 लाख रुपए में बेचा था अंग्रेज। चाल देखिए आप इनकी, इसे 26 लाख रुपए देने थे, इलाहाबाद, कड़ा, यही दो क्षेत्र 50 लाख में बेच दिए गए। तो क्या आ जाएगा इसमें? 50 लाख रुपए
पचास लाख रुपए के बदले, के बदले या बेचा लिख लो इसमें ना, इलाहाबाद और कड़ा, इलाहाबाद और कड़ा ये किसने, अंग्रेजों ने बेच दिया था, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने सुजाउद्दौला को दिया, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला को, सुजाउद्दौला को दिया, ये संधि थी। दूसरा जो ये थे इसमें अवध के नवाब, अवध का नवाब 40 लाख रुपए के बदले रुहेलों को विरुद्ध सेना देगा, रुहेले मतलब रुहेलखंड, वहां पर एक थे रहमत अली, हाफिज रहमत अली खान, उसको हरा दिया गया था, तो मेस कटरा के नाम से वो युद्ध का नाम है। क्या किया था, 40 लाख, 40 लाख के बदले, के बदले ये 40 लाख रुपए कौन देगा, ये नवाब को, नवाब को दिए जाएंगे बदले, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने रुहेलो के विरुद्ध, रुहेलो, रुहेलो का मतलब रुहेलखंड, रुहेलो के विरुद्ध, के विरुद्ध युद्ध सहायता, जो युद्ध में अपनी सेना भेजेगा वहां पर, युद्ध सहायता, सहायता प्राप्त की, प्राप्त की। जब अंग्रेज रुहेलो से युद्ध लड़ेंगे तो अवध का नवाब उसमें सहायता करेगा रुहेलखंड के लिए। तो यहां से क्या होता है, अब एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम क्या था, मीस कटरा का, मीसपुर, मीसपुर कटरा, कटरा का युद्ध, ये सन 1774 में लड़ा गया था, मीसपुर कटरा, इसमें क्या था, रुहेलखंड, रुहेलखंड, रुहेलखंड पर आक्रमण किया था, रुहेलखंड पर आक्रमण, ये किस किसने किया, अंग्रेजों की सेना ने और अवध के नवाब की सेना ने आक्रमण कर दिया यहां पर। उसके राजा कौन थे, रहम, हाफिज रहमत, हाफिज रहमत अली खान, रहमत अली खान यहाँ के शासक थे, इसको मार दिया था इन्होंने। और ये युद्ध किसने लड़ा फिर, यहाँ पर एक तो नवाब थे इसमें अवध के नवाब, और एक कौन थे, अंग्रेज, अंग्रेज का भी कौन, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था उस टाइम, वारेन हेस्टिंग। तो इसने क्या किया, रुहेलखंड का जो शासक था हाफिज, इस पर अटैक किया और रुहेलखंड को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके लिए अंग्रेजों ने नवाब को 40 लाख रुपए दिए थे, और नवाब से कितने लिए, कड़ा और इलाहाबाद के लिए 50 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख की यहाँ से आमदनी इसको हुई, मीसपुर कटरा, और रुहेलखंड को इन्होंने हड़प लिया था। इसकी क्या क्या विशेषता, एक तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली की तरफ से लड़ा, एक बनास की उसमें भाग लिया, सॉरी कौन सा वो युद्ध था, जो बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद में संधि होती है, फिर इलाहाबाद की संधि, उनमें भाग लिया, और एक यहाँ पर बनारस की संधि 1773 में, जिसमें रुहेलखंड को अपने में मिलाया गया है ना, और बाद में किसे सौंप दिया, वो अंग्रेजों को, ये इसकी विशेषता। अब अगला जो शासक आता है इसमें, आसफुद्दौला, आसफुद्दौला के लिए वीडियो दूसरी बना देंगे, जो बाद के नवाब बचते हैं ना आसफुद्दौला, सुनो यहाँ पर देखिए, ये जो हमने अभी किया है, ये इन तीन के बारे में यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ है। अब आसफुद्दौला एक आएगा, इनकी कोई ऐसी बड़ी विशेषता नहीं, इसे हम दूसरी वीडियो में ले लेंगे है ना, पहली वीडियो में, बस आज इतना ही बनाए, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ऐसी इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, अभी वो बढ़ाते हैं। तो इससे आगे के जो शासक हैं, एक विशेषता आसफुद्दौला की आएगी बस खास, बाकी इनकी कोई ऐसी खास विशेषता नहीं। वाजिद अली शाह के बारे में 1857 का विद्रोह, उससे पहले एक घटनाएं बतानी पड़ेंगी जो बैकग्राउंड। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।